सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर के ब्लॉक परिसर में आज चौरा चौरी कांड के शहीदों की याद में शताब्दी उत्सव मनाया गया। इसमें 100 साल पूरे होने के बाद आज चौरा चौरी कांड से संबंधित शहीदों को याद किया गया। ब्लॉक में आयोजित यह कार्यक्रम स्कूल के बच्चों और विकासखंड परिषद से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने साथ मिलकर आयोजित किया। गोरखपुर जिले में चौरा चौरी एक स्थान है, वहाँ पर आंदोलनकारी अपना आंदोलन कर रहे थे और उसी समय क्या था, ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्होंने उस आंदोलनकारियों पर डंडे लाठी गोली चलाई जिससे काफी लोग मारे गए। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रज्ञान पब्लिक स्कूल और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे एक साथ विकासखंड परिसर में एकत्रित हुए, जिसके बाद जेवर नगर में प्रभात फेरी निकाली और पुनः ब्लॉक परिसर में आकर शहीद स्तंभ पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को याद किया गया। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज एक बार फिर मैं जेवर ब्लॉक में हूँ और यहाँ चौरी चौरा कांड की शताब्दी के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा है। अधिकारीगण मेरे साथ हैं, सर कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। आज कार्यक्रम 8:30 बजे शुरू हुआ जेवर ब्लॉक से, क्योंकि शासन का निर्देश था और आदेश भी था, उसी क्रम में हम लोगों ने सुबह सबसे पहले बच्चों को बुला करके प्रभात फेरी निकाली गई जेवर कस्बे साइड में, वहाँ से निकल करके हम लोग फिर आए प्रभात फेरी निकालते हुए ब्लॉक में 10 बजे, जो कि कार्यक्रम पहले से निश्चित था कि वंदे मातरम का प्रोग्राम और जो हमारी शहीद स्तंभ यहाँ पे है वहाँ पे पुष्पांजलि का प्रोग्राम था, वो पूरा प्रोग्राम हुआ। बच्चों को बताया गया कि चौरी चौरा शताब्दी है, चौरी चौरा है क्या, और ये शताब्दी जो 100 साल पूरे हो रहे हैं आज से स्टार्टिंग हो रही है, पूरे साल चलेगी, अगले साल बताया गया 4 फरवरी को दोबारा 2022 में कंप्लीट होगा। उसके बारे में उनको बताया गया कि चौरी चौरा है क्या, हमारे राष्ट्र जो शहीद थे उनके बारे में बताया गया, सारी चीज़ें उनको जानकारी दी गई। और इसके अलावा अभी आगे भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी हमारे यहाँ है, वो भी चलेंगे इनको, फिर इनके मिष्ठान वितरण का एक प्रोग्राम होगा। ये सारे प्रोग्राम ब्लॉक की तरफ से हो रहे हैं, उसी क्रम में अभी सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा गया है। ABSA सुनील मुद्गल हमारे साथ हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं, ये बच्चे स्कूलों के, प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं और सभी अधिकारीगण भी हैं, किस तरह से देख रहे हैं सरकार की जो ये मंशा है चौरी चौरा कांड के बारे में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की? सर सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और पूरे केंद्र सरकार को यानी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के इस दिवस को इस चौरा चौरी शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है और ये 1 वर्ष तक चलेगा तो 100 वर्ष हमारे पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक, तो तब तक पूरे देश में प्रोग्राम चलते रहेंगे, समय समय पर होते रहेंगे। और इसके लिए यहाँ पर आज जो बच्चे यानी एकत्रित हुए हैं प्रज्ञान पब्लिक स्कूल और हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से, उन सभी को इसके माध्यम से एक जागृत करना है कि क्या कारण था कि चोरा चोरी में ये इसका यानी कि नाम आज उस कारण से हुआ, क्योंकि चोरा चोरी 4 फरवरी 1922 में वहाँ पर ये एक आंदोलनकारियों पर जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके ऊपर गोली चलाई गई तो काफ़ी पुलिसकर्मी उसमें शहीद हो गए और काफ़ी लोग भी शहीद हुए, उस कारण से इसकी महत्ता को ये रखने के लिए ताकि ये जागृत रहे, बच्चों में इसको हमेशा याद किया जाता रहे, तो उसके उपलक्ष्य में आज ये मनाया जा रहा है, जिसके लिए बहुत एक शॉर्ट टाइम में हमने सभी को तैयार किया है। और उसके लिए मैं अपने EDO साहब, हमारे BDO साहब, हमारे लक्ष्मण सर हैं, इनका काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसको बहुत शॉर्ट नोटिस टाइम में तैयार किया गया, धन्यवाद। तो चौरी चौरा कांड को लेकर जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्कूल के बच्चे मेरे साथ हैं, मैं बच्चों से जानकारी लेना चाहूँगा कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या बच्चों को कितना मालूम है चौरी चौरा कांड के बारे में? गुड़िया क्या पता है तुम्हें चौरी चौरा कांड के बारे में? सर गोरखपुर एक जिला है, उसमें चौरी चौरा एक स्थान है, तो वहाँ पर कुछ लोग शहीद हुए थे, 22 पुलिसकर्मी शहीद हुए।
चौरी चौरा गोरखपुर में एक किला वो ज़िला है जिसमें ये जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था, लेकिन उसमें पुलिसकर्मियों ने उन पे डंडे गोलियां बरसा दी जिसकी वजह से बहुतों की मृत्यु हुई, 22 उसमें पुलिसकर्मी भी मर गए और उसी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन फिर से वापस ले लिया। इसी दुख में हम उसका चौरी चौरा की वो बनाते। तो बच्चों को काफ़ी जानकारी है और ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को अपने देश के शहीदों के बारे में जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपने शहीदों के बारे में, अपने देशभक्तों के बारे में पता हो और फिर से एक देशभक्त क्रांति देश में लागू हो सके। नीतीश छौंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीदों की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों को शहीदों के बारे में जानकारी दी गई और पुनः एक बार शहीदों को याद किया गया। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।